हमारा जमाना जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है. हम जैसे कवारे ये बात अब समझ रहे हैं, वरना शादीशुदा आदमी उसी दिन समझ जाता है जिस दिन वो घर से देर से पहुंचता है और फिर आटा गूंदने वाले हाथों से जो मुंह पे मुक्के पड़ते ना, पूरे पराठे छपते हैं बाजी. बीवियां तो शुरू से पावरफुल रही हैं, आप बखूबी जानते हैं. बिल्कुल. अब वक्त है बेटियों को पावरफुल बनाने का और उनकी पावर को सल्यूट करने का. तो बाजी, आज की हमारी जो मेहमान है वो ऐसी दो बेटियां हैं जिन्होंने कुश्ती के दंगल में उतरकर देश का नाम रोशन किया है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा गीता और बबीता फोगाट को. गीता बबीता, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. Thank और आपको बहुत बहुत बधाई. आपकी लाइफ पे जो फिल्म बनी है दंगल, पाजी, बहुत सुपर डुपर हिट हो चुकी है. लोग उस फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हैं और ये एक्चुअली दंगल की रियल हीरोज हैं. तो तालियां और तेज हो जाएगा. दुनिया में ना जी महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें होती जी, लेकिन उस इंस्पिरेशन के लिए अगर कोई जीता जागता बहुत तगड़ा उदाहरण है ना, तो वो गीता और बबीता है. और ये प्रमाणित हो चुका है कि बेटियां मां की झलक और पिता का स्वाभिमान होती हैं. ये सर्वदा सीता दुर्गा सावित्री सी महान होती हैं. अपनी वीरता से लहराती हैं विजय श्री का तिरंगा. है शक्ति की सच्ची मिसाल, बेटियां शाने हिंदुस्तान होती. क्या बात. God bless you. गीता बबीता, आप दोनों को अच्छा ये बड़ा अच्छा. गीता बबीता मेरे मुंह से फटाफट निकल जाता है. गीता होती सुमन होती तो आदमी अटक जाता है. तो गीता बबीता, आपको याद है आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? अभी तक तो मतलब काउंट नहीं किए थे, लेकिन अभी जब दंगल मूवी बन रही थी तो अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस ने पूछा कि टोटल कितने मेडल जीत चुके. तो अच्छा. सभी सिस्टर्स के इंटरनेशनली अगर हमने जब काउंट किए तो 35-40 के करीब हमारे मेडल्स थे. क्या बात है. अब बैठ के बात करते हैं. आप वैसे तो आप पहलवान खड़ी भी रह सकती हैं, पर मैं थक जाऊंगा. आइए पैर. और गीता और बबीता की मम्मी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी दोनों छोटी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं. गीता बबीता ने बचपन में जो प्रैक्टिस करी थी अपने कजन चाचा के लड़कों जिनको इन्होंने बहुत पीटा, वो भी यहाँ पे हैं. तो गीता बबीता, आपने जितने भी मेडल्स जब निकाले जी, तो आपने जाके किसी सुनार की दुकान में ज्वेलर के पास चेक नहीं किया कितने तोले सोना है कितने तोले चांदी है? जब शुरू शुरू में मेडल मिला हमें तो देखा कि असल में सोने का मेडल है या फिर कैसा है. अच्छा. तो घर आए तो फिर पापा से पूछा, उनको भी एक्चुअली नहीं पता था कि सोने का होता है या क्या होता. अच्छा. है तो उन्होंने भी पूछा होगा तो पता चला कि एक्चुअल में सोने का मेडल नहीं होता. सोने का होता नहीं है? नहीं होता. मतलब पर नहीं यार, ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन वो गोल्ड जीतना, उस गोल्ड कलर को जीतना, ये बहुत बड़ी बात है और आपने वो कर दिखाया. देखो गोल्ड तो 40,000 तोले आ जाएगा, 70,000 तोले आ जाएगा जी, लेकिन जी. जिस बात के लिए वो गोल्ड मिलता है उसका कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं. मैंने मैच लिए पूछ रहा था, बिकॉज आजकल सरकार जो है और लड़कियों को ज्यादा सोना रखने की इजाजत दे रही है. मैंने कहा अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके पास, तो खैर आप तो बहनें भी 4-5 हैं, मम्मी भी हैं, तो घर में 6 लेडीज तो यही है. उसके बाद भी अगर बच जाए तो मुझे भी भाई समझे अपना. अच्छा, हमने तो फिल्म में देखा बाजी इनकी स्टोरी कि ये सुबह 5 बजे उठ जाती थी. ये सच्ची बात है, आप 5 बजे उठती थी? उठती नहीं, हम उठते भी हैं 3:30-4 बजे. 5 तो थोड़ा लेट. गांव में जो मुर्गा उसको भी आप ही उठाती जा रहे हो, तेरे बांग देने का टाइम हो गया. मुर्गा भी सोचता था गीता बबीता उठ गई तो 3:30 उठ जाती हैं आप जी. अभी भी हम इतने 4 बजे हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं. अच्छा, तो फिर कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? हम 2.5-3 घंटे मॉर्निंग में करते हैं और 2.5-3 ही शाम को करते हैं. क्या बात है यार, ये मेहनत का ही नतीजा भाई. अदरवाइज मैंने इनकी डाइट पूछी थी जी, अब मैं इनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कोई कहता है जी 100 बादाम घोट के उसका उसकी सरदई बना के पीते, ये सही है बात? जी बिल्कुल सच है. कितने बादाम रोज? 100 से 150 एक के लिए. ओए मर के ओए. कई बार जैसे कि बच्चों से या भी जिनके पेरेंट्स करवाते हैं स्पोर्ट्स, तो मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बादाम कितने खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि 10 गिरी 12 गिरी. तो हम सोचते हैं कि 10-12 गिरी में क्या होगा, हम 150-150 गिरी खाते हैं. पर मुझे भी किसी डॉक्टर ने बताया, कहता 10 बादाम भिगो के ना सुबह खाया करो.
तो मैं भिगोता हूं। तुझे 10 बताए, मैं 6 खाता हूं। 6 खाते हो? 10 बादाम में तो पानी में डालो, 2 तो पानी खा जाता है, बाकी बचता कुछ है नहीं। तो आप एक्चुअली लड़कों को पीटती थी? मतलब कितना पीटती थी? आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। आई मीन एक्चुअली ऐसा हुआ था कि आप लड़कों को पीट देती थी? देखिए, हम शरारती तो बचपन से ही थे। जब हम स्कूल में जाते थे तब भी, और हमारे खून में ही था वो शरारती पना, या किसी को भी मार देना। किसी को भी मार देना? नहीं नहीं, नहीं। अगर बच्ची थी इतना पीट देती थी, अब तो माशाल्लाह जवान हो गई है। तो ये गीता और बबीता की दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, इनको माइक दे दो। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संगीता फोगाट है, मैं सबसे छोटी हूँ चारों बहनों में से। और मेरा नाम रितु फोगाट, मैं बबीता से छोटी। तो आप चार बहनें हैं, तो चारों ही चारों रेसलिंग करती हैं आप? जी। अगर आप... बदला लेना है आपको? मतलब बदला नहीं लेना, हमारा एक ये है कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। जैसे हमारी बड़ी बहन ने किया है, जो भी हमारे घर में जन्म लेगा वो सिर्फ रेसलिंग ही करेगा। क्या बात, ये बात। गीता बबीता की मम्मी जी से पूछना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सारे पहलवान हैं, आप क्या खाती हैं? मैं तो जी दूध दही खाया करूं, घी और चूरमा, और कभी कभी चिकन भी खा लेती हूं। पर अच्छा, वो जो मैंने फिल्म में देखा उसमें दिखाया कि गीता बबीता की मम्मी को बड़ी प्रॉब्लम थी चिकन खाने से। वैसे मैं बताऊंगी कपिल जी, अभी तक चिकन नहीं खाते थे मेरे मम्मी, लेकिन शायद लगता हमें अभी पता चला कि जब से दंगल फिल्म देखी है उन्होंने भी खाना शुरू किया। तो बड़ी बात नहीं है, हमें एक साल बाद पता चले कि गीता बबीता की मम्मी भी पहलवानी में उतर आई है। अब हो गई चार बेटियां, एक की शादी कर दी, अब मैं भी आऊंगी खाड़े में। गीता बबीता, आपकी लाइफ की सबसे टफ कुश्ती कौन सी रही है, जिसको आपको लगा कि यार ये हार भी सकती थी पर उसको जीतने के बाद आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये बहुत मुश्किल थी कुश्ती? मेरे लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स में थी, और वो थी सेमीफाइनल बाउट एक्चुअली थी। अच्छा। वो नाइजीरिया की पहलवान के साथ मेरी कुश्ती थी। और वो देखने में भी मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, कि मतलब उनके सिक्स पैक तो वैसे ही होते हैं ना। यस वही तो फिर यस तो सेमीफाइनल में जब उसके साथ कुश्ती आई तो बहुत टफ मैच हमारा रहा, क्योंकि अगर वो मैं हार जाती तो फिर मुश्किल था मेडल। तो सेमीफाइनल उसके साथ, और एक राउंड वो जीत गई, एक राउंड मैं जीत गई। और उस टाइम हमारा क्लिंच का होता था कि टॉस में जो विन करता है वो पैर पकड़ेगा, और वो टॉस भी वही जीत गई। अटैक भी वो करेगा? अटैक भी वो करेगा, उसने मेरा पैर उस पकड़ के 30 सेकंड होता है, और कुछ उसमें 5 या 7 सेकंड जो रेड जोन हमारा होता है। जी, जी, जी। तो वहां से मैंने पता नहीं कैसे भगवान ने बचाया मुझे, या मैं सचमुच मैंने भगवान को याद किया कि भगवान ये क्या हुआ, और तुरंत मेरा पॉइंट हो गया वहां पे कुछ 5 सेकंड। वो आपकी अंदर से जो स्ट्रांग है आप, यस दिल से कि मुझे जीतना है, मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तो ये जो भावनाएं होती है ना कभी कभी ये बहुत वर्क करती है, और आपने बहुत मेहनत की। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? मेरी आज तक जितनी भी बाउटें हुई, मुझे लगता है मेरी सारी मुश्किल ही रही है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जी, मैं बाउट से 2 दिन पहले मेरे नी में चोट लग गई, और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, लिगामेंट मेरा 2 ग्रेड टियर हो गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर को कि नहीं मैं खेलूंगी। और डॉक्टर को बोल नहीं तो मेरी जगह तू खेलेगा जाके, इतना बड़ा गेम है और इतनी मेहनत करके आए हैं। तो मैंने खुद ही ये कहा कि नहीं, कुछ भी हो मैं अगर यहाँ पे आई हूँ तो मैं खेल के ही जाऊँ, चाहे मेरा पैर दोनों टूट जाए। और यही स्पिरिट होती है बिल्कुल, क्यों? और जब हम मैट के ऊपर जाते हैं तो हम दर्द भूल जाते हैं कि हमें कहाँ पे चोट है, क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं उस मेडल के आगे, कि बस मेडल जीतना है अपने देश के लिए। उस टाइम वो देश दिखाई देता है, उन लोगों को प्यार और दुआएं दिखाई देती हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे भी बहुत नाम कमाएंगे। थैंक यू। तो अब वक्त है
उस शख्सियत को यहाँ पे बुलाने का जिनकी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की वजह से इन दो बेटियों ने देश का नाम रोशन किया। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा गीता और बबीता के पिताजी और गुरु श्री महावीर सिंह फोगट साहब। महावीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ऐसी चार होनहार बेटियां जो हैं वो देश को दी हैं, जो नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश का। सो बहुत बहुत बधाई आपको। महावीर जी, पहले जमाने में ना लोग बेटे की मनोकामना करते थे कि उनको लगता था कि यही मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी नयामत ये होती है कि उनका परिवार और उनका देश उनकी बेटियों के नाम से जाना जाता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी बेटियां आपके परिवार की पहचान है, हरियाणा की पहचान है, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की आन बान शान। बहुत बहुत बधाई आपको। जहां लड़की नहीं होती मैं तो उस घर को नरक मानता हूं। क्या बात। अच्छा, सरकार आजकल ये प्रचार तो कर रही है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। आपके मन में कैसे आया कि बेटी पीटेगी तभी आगे बढ़ेगी? महावीर जी, सच्ची बात है कि इन्होंने जब किसी लड़के को पीट दिया तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया था? उस टाइम जो लड़कियों कुछ थी हरियाणा के अंदर नहीं थी, और हरियाणा के अंदर तो खास करके लड़कियों का जो बारिश घर से निकलना, अकेले जाना बहुत ज्यादा महाभारत होता था जी। जब गीता छोटी पैदा हुई तो इसकी मम्मी तो मायूस होगी, जब मेरे माँ बाप थे वो सब मुंह लटकाए बैठे, लेकिन मैंने इसकी मम्मी को बोला मुझे क्या बात होगी, लड़की भी तो त्रिकूक से पैदा हुई। और मैंने उस दिन बोला, मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ भाई, एक दिन मेरी बेटी हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी, इसकी मम्मी को मैंने शब्द कहा था। क्या बात है। तो मैंने जो है सोचा, 2000 में गीता जो उस टाइम 9-10 साल की थी, अच्छा तो मैं इसको पहलवान बनाएंगे, तो मैंने शुरुआत कर दी। बबीता भी साथ ले ली, मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, वो काफ़ी जो नाराज़ हुए इस चीज़ से, लेकिन मैंने तो दिमाग में सोच रखी थी भाई क्यों मैंने जो इसको इनको पहलवान बनाना है, क्यों मेरे में जो कमी थी मैं क्यों नहीं हो सका, तो इनकी मैं वो कमी नहीं रहने दूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है। और पर आपका वो जो प्रयास था वो सफल भी रहा, क्योंकि सच्ची लगन से आप कुछ भी करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके साथ होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको। पर वैसे महावीर सिंह जी, आप फिल्में वगैरह देखते हैं, कभी देखी हैं आपने फिल्में? फिल्म का शौक बहुत कम है मेरे को, बस 5-7 देखी हूँ, ज्यादा 5-7 ही देखी। तो मैं हमने सुना है कि बच्चों को तो आपने देखने नहीं दी, क्योंकि आपने कहा कि फोकस करो अपनी गेम के ऊपर। आंटी जी को दिखाई कभी फिल्म साथ में? जो गीता की मम्मी उसको जो जो पशुओं का चारा लाना, इनका खाना बनाना, तो इसको तो कभी सोने की फुर्सत नहीं मिली। पर वही है, देख लो कि जिन्होंने जो इतने भोले भाले लोग हैं, अपनी मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं। क्या तो दंगल बनी भी है। और आपने महावीर सिंह जी सोचा था कि कभी आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनेगी और आमिर खान उसको निभाएंगे और दंगल मंगल हो जाएगा? और प्रोड्यूसर का तो हो गया, मेहनत आप करते रहे, 400 करोड़ आमिर खान कमा गए। सर मेरी सोच एक ही है, आज भी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और उसके लिए मैं अभी प्रयास से जाऊँ। क्या बात है। तो ये फिल्म में जो दिखाया था कि आपने बच्चों के बाल कटा दिए थे, दोनों बेटियों के बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बाल करा दिए थे, अभी भी छोटे-छोटे अभी ये तो बहुत बड़े हो चुके हैं अभी तो। और छोटे करा दिए थे, अभी तो होने वाले हैं छोटे फिलहाल भी। अच्छा, क्या है जो उस टाइम जो मिट्टी के अंदर जो कुछ जो इनके जो प्रैक्टिस करवाया करता, तो मिट्टी बालों के अंदर घुस जाए, पसीने से जो मिट्टी आँख खुल जाए, और फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता जी। भाई सुंदरता जब दिखाओ, जब अपनी जो जो पहचान है ना, जो कुश्ती की है जी, ये मेहनत करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे को देखने लगी। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। बेटियों के बाल कटवा दिए, खुद हैट पहन लिया महावीर जी ने, खुद गोरे अंग्रेज हो गए। महावीर जी एंड फैमिली आई हुई है। पाजी मेरा खर्चा बच गया है, क्योंकि पहलवान लोग चाय नहीं पीते। माई लागू। गीता बहन जी नमस्ते, बबीता बहन जी नमस्ते, बहन जी बोलना पड़ेगा, पहलवान है। सो बहुत अच्छा लगा सर आज आपके पाँव को हाथ लगा के। आपसे मिलके हमें जो सभी से मिलके बड़े खुशी हुई। मुझसे नहीं हुई सर, और जो ऐसा प्रोग्राम है जी, अगर
हफ्ते में दो चार बार ऐसे हंस लिया तो कभी बीमार नहीं होगा वो। क्या बात है। और पाजी और कपिल शर्मा जी, आज आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या सरप्राइज? ले पहले तो चाय लेके आता था। आज सरप्राइज है। ऐसे क्या देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं। अरे मैं तेरे नानी का छोटा भाई। आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप पहले तो कभी आए नहीं। हाँ भाई, तू लड़कों को बुलाता कहाँ है भाई? महावीर जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। गीता बबीता, खुश रहो बच्चों। वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मेडल जीत रही है। आपका क्या हो रहा है? इधर मैं बताता हूँ ना, हम लोगों ने कोलैबोरेशन की है कि हम क्या किया है। हम लोगों ने सोचा है अब, ठीक है? हाँ, क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा कि हम दंगल टू बनाएंगे। दंगल टू? दंगल टू बाद में बनाना, पहले घर में बाथरूम बना लो, जाओ। दरअसल क्या है महावीर जी, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटियाँ गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या करूँ, मेरा कोई भी लड़का लड़की बनने को तैयार ही नहीं हुआ। और मामा जी, हर जगह लड़के लड़कियाँ नहीं बनते, लड़कियाँ पैदा भी होती हैं। अच्छा? हाँ जी। तो इसको समझाओ। अरे खैर, सब वो सब छोड़िए। एक्चुअली महावीर जी, हमारी जो फिल्म है वो भी 100 mm के पर्दे पर आनी है, तो मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है हमारी। बहुत बढ़िया जी। पर हम भी परफेक्शनिस्ट हैं। चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। पाजी, मुझे पता था इसने ये स्पेलिंग वाली बात जरूर करनी है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। पारा आगे रिसेप्शनिस्ट। आप बताओ परफेक्शनिस्ट की स्पेलिंग। KAPAL। ये क्या 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 है? नंबर वन शो है तो मैं परफेक्शनिस्ट। एक मिनट चंदू। हाँ जी। ये तो चलो सीनियर है, इनको हाँ तो अकल है नहीं। हाँ। तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आमिर बनने का? आपको अकल नहीं? चलो। हर बंदा तरक्की करता है पाजी। अब रजनीकांत साहब थे, वो पहले बस कंडक्टर थे। आप भी पहले देखो क्या थे आप। क्या था? क्या थे आप बताऊं तो सबको पता चल जाएगा। मैंने सारे काम अच्छे किए सिवाय इसके साथ दोस्ती करने के। और सिद्धू पाजी देख लो, एक एक रन के लिए भागते थे, आज हंसी हंसी खुशी खुशी लाखों को मारे। और वैसे भी पाजी, मेरे हौसले आजकल बड़े बुलंद हैं। देखो इनसे सीखो कुछ, कैसे देश का नाम रोशन किया जाता है। बेवकूफों, मेहनत करनी पड़ती है सब करने के लिए। तो क्या हम कम मेहनत करते? क्या करते हैं? बिल्कुल, बंदे से औरत बन जाता है तो उससे ज्यादा नहीं होता। इसको समझा, नानी बनने का प्रोसेस कितना बड़ा है आपको पता है सिद्धू जी? बहुत तगड़ा, बहुत। पहले असेंबल करो, फिर डिसमेंटल करो। मेहनत तो लगती है ना। एक मिनट, अभी तो आप कह रहे थे आप मेरी नानी के छोटे भाई हैं। कहने में क्या है, कहने के लिए तो सिद्धू साहब भी कहते हैं ठोको ताली, ठोको ताली। ताली ठोकते हो? नहीं ना, बजाते हो ना फिर? और हल्के में मत लेना प्लीज, बहुत मेहनत की है इस गेटअप के लिए। 12 लीटर दूध पी जाता हूँ मैं। 12 लीटर दूध आपके पास कहाँ से है? इसकी चाय बिकती कहाँ है? दूध तो मैंने पीना है। चाय पीने वाले बिल्ले, 2 मिनट चुप कर जाओ। हे सोनी साहब, आपने इनको शो दे दिया तो प्लीज इनको बोलो हमारी बात सुना करें। गीता, ये चंदू है ना जो उस तरफ वाला, इसको बड़ा घमंड है, कहता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसको थोड़े से वैसे दांव पे सिखा दो। सिखाओ सिखाओ इसको, सिखाओ सिखाओ, या उठा के पटक दो। जो आपका दिल करे, बहुत कलाकार है, शो बहुत अच्छा चल रहा है, पटक दो। मैं तो कहता हूँ मैट मंगवाओ जरा। मैट, हमारा बजट बहुत है, मैट मंगवाओ। मैं सचमुच में पहलवान रहा हूँ, हाँ, पर मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।